सीहोर क्रिसेंट वाटर पार्क सीहोर। सो गाइज आई एम गौरव और आज की इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है हमें यहाँ पे भी और एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मेरा यहाँ पे। मैं 4 साल से कंटिन्यू यहाँ पे आ रहा हूँ और ये मेरा 5वीं बार है। सो गाइज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, वीडियो आप लास्ट तक देखो और लेट्स गो। यहाँ पे 350 का टिकट है और ये हमें कार्ड मिला है, पास मिला है, जो भी हो ये अब हमें यहाँ पे दिखाना है गेट पे एंड देन हम अंदर जाएंगे यहाँ से और अंदर जाकर हमें कॉस्ट्यूम भी लेना पड़ेगा। सो अब मैं बाकी वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ तो वीडियो देखो और मज़े करो। देखिए पूरा वाटर पार्क आपको यहाँ से दिख रहा होगा एंड पीछे वहाँ पे स्लाइडें लगी हुई हैं। तो अभी तो हम कॉस्ट्यूम के लिए जा रहे हैं इधर, कॉस्ट्यूम यहाँ से लेकर के एंड देन हम अंदर जाएंगे। तो मैं थोड़ी देर एंजॉय करूँगा तो आपके लिए वीडियो नहीं बनाऊँगा एंड नहाने के बाद जब हम फोटो शूट करेंगे तब आपके लिए वीडियो बनेगी, तो बने रहिए। तो गाइस हम पिछले 3 घंटे से यहाँ पर नहा रहे हैं, 12 से अब बज चुके हैं 3:30-4, मतलब ये मान लो 3-4 घंटे हम नहा चुके हैं और अब इस टाइम पे ब्लॉगिंग। ये देखिए आप, मुझे डर है कहीं कॉपीराइट ना लग जाए, डीजे पे सॉन्ग बज रहे हैं और काफ़ी बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे। और यहाँ पे फॉरेन लड़कियाँ भी डांस कर रही हैं तो वो वहाँ है तो मैं अभी आप लोगों को दिखा दूँगा, तो बने रहें वीडियो के साथ और काफ़ी ज़्यादा मज़े आने वाला है। और कुछ लोग यहाँ शायद पहचान के भी दिख रहे हैं, देखते रहो बस, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये बेबी पूल है ये वाला, यहाँ पर आराम से नहा सकते हो, आपके बच्चों को नहला सकते हो और जो भी मस्ती करनी है यहाँ पे। इधर ये डीजे सॉन्ग दिख रहा है आपको, आवाज़ भी आ रही होगी और ये यहाँ पे स्लाइडें लगी हुई हैं। तो अभी हम अभी वहीं पे जाने वाले हैं और अभी हम फिलहाल फ़ोटो शूट करने वाले हैं। ये हमारे पास डी एस एल आर है तो अभी फ़ोटो शूट होगा और ब्लॉगिंग आपके लिए चलती रहेगी। तो बस इतना ही हो रही है यहाँ पे, भीड़ अगर आपको दिख रही हो तो वहाँ पे जाने वाले हैं, अभी हम थोड़ी आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी। ये रहा यहाँ पे डीजे और ये बेब पूल, तो यहाँ पे वेव्स आती है तो आप वहाँ काफ़ी इंजॉय कर सकते हो। तो ये समुद्र वाली फीलिंग आपको यहाँ पे आराम से यहीं पे मिल जाएगी। तो ये इतना बड़ा है और ये जब स्टार्ट होता है तो आपका डीजे भी बंद हो जाएगा एंड सब कुछ बंद, सिर्फ ये चलता रहेगा। और ये यहाँ पे स्लाइडें लगी हुई हैं, पीछे स्लाइडें लगी हुई हैं एंड यहाँ पे बीच। तो इतना ही है अभी तो, और अभी हम वहाँ जाने वाले हैं। मैं पानी के अंदर नहीं जा सकता, अगर पानी चला गया मोबाइल में लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। सो गाइस अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्लाइडें लगी हुई हैं एंड ये पेंडुलम है, ये येलो स्लाइड है एंड ये ब्लू वाली सबसे लंबी स्लाइड है। तो सबसे ज़्यादा मज़ा आपको ब्लू वाली पे आएगा, सबसे ब्लैक एंड रेड इंटरनल सब कुछ आपको मिलेगा। आई सपोर्ट यू, ये सब हमारे दोस्त हैं एंड ये सब फोटोग्राफी अभी हमारी चल रही है एंड मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डीजे भी लगे हुए हैं, तो वहाँ पे पूल भी है तो आप जितना चाहो उतना मस्ती करो एंड पेड़ लगे हुए तो आप वहाँ पर आराम भी कर सकते हो आसानी से। गाइस टाइम वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं आपके लिए वीडियो पूरी नहीं बना पा रहा हूँ। तो गाइस अब आप जाएंगे एम्यूजमेंट पार्क। Oh, 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 oh
फाइनली हम लोग पूरा इंजॉय कर चुके हैं, पूरा वाटर पार्क घूम चुके हैं एंड अभी हम तैयार होकर जा रहे हैं एम्यूजमेंट पार्क। तो वहाँ पे कुछ पेंडुलम वगैरह लगे हुए हैं, सो हम वहाँ पे झूला वूला झूले एंड थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट होगा एंड फिर हम घर चले जाएंगे। तो गाइस व्लॉग में यही है यार, देखा है आपने सब कुछ, ये देख लो यहाँ सब, फिर से दिखा दूँ, ये डीजे लगे हुए हैं एंड वो वहाँ पे स्लाइडें लगी हुई हैं एंड यहाँ पे पूल है और आप बीच की फीलिंग भी यहाँ पे आपको आ जाएगी। तो गाइज़ अभी हम जा रहे हैं एम्यूजमेंट पार्क, चलिए चलते हैं। तो गाइज़ एम्यूजमेंट पार्क में हम लोग आ चुके हैं और ये देखिए ये सब यहाँ पे आप एक्सिट हो सकते हैं एंड ये इधर पे यहाँ पे ट्रेन है एंड आगे आपको पेंडुलम मिल जाएगा, तो पेंडुलम में आप आराम से घूम सकते हैं। और बस यही है यहाँ पे, और आगे आपको झूला भी मिल जाएगा बिल्ली चिल्ली वाला, ये सब है कि आप देख सकते हो ये पीछे क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ अभी नहीं है। ये सब है, आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेन से आप वहाँ तक जा सकते हो, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है लेकिन पास में ही आपको ले जाकर वहाँ पे छोड़ देगी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। एंड अगर आप कुछ खाना चाहते हो तो यहाँ पे कैंटीन भी है, एक कैंटीन वहाँ पे भी है, आप कुछ भी खा सकते हो।